हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे किसी भी कुलचे, नान, चपाती, परांठे का स्वाद कई गुना बढ़ा देने वाली पनीर की सब्जी, जो कि है लहसुनी पनीर, जिसे आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे पनीर, जिसे हमने पीसीज में कट कर लिया था। अब करेंगे पनीर को मैरिनेट, डालेंगे इसमें देगी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, डालेंगे कसूरी मेथी। अब थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, जिससे कि मसाले अच्छे से पनीर पर लग जाए और हमारा पनीर जो है वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए। जैसे पनीर के पीसेस को हम मसालों से कोट कर लेंगे। तो ये देखिए, पनीर अच्छे से हो गया है मैरिनेट। अब हम पैन पर ऑयल डालेंगे। अब एक एक करके पनीर के पीसेस को हम पैन पर रखेंगे। मैं यहाँ पर पनीर को फ्राई करने के लिए ग्रिल पैन का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ग्रिल पैन ना हो तो आप नॉर्मल पैन का भी यूज़ कर सकते हैं। पनीर एक तरफ से अच्छे से सिक चुका है, अब दूसरी तरफ से भी पनीर को ग्रिल कर लेंगे। इसी तरह से पलटते हुए हम पनीर को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पनीर जो है वो अच्छे से ग्रिल हो चुके हैं, अब इन्हें हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे। बचे हुए तेल को हम बाद में यूज़ करेंगे। अब कढ़ाई लेंगे और डालेंगे इसमें ऑयल। जिस ऑयल में हमने पनीर को फ्राई किया था उसे भी हम इसमें डाल देंगे। डालेंगे तेज पत्ता, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का डाल देंगे, डालेंगे जीरा। अब एक बार अच्छे से इन सबको सौते कर लेंगे। अच्छे से सौते करने के बाद हम इसमें लहसुन डालेंगे, थोड़ी सी अदरक भी हम इसमें डाल देंगे। डालेंगे इसमें कटा हुआ प्याज, टमाटर को भी हम रफली चॉप करके इसमें डाल देंगे। रिचनेस के लिए इसमें डालेंगे भीगे हुए बादाम। अब 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मसाले को भूनेंगे। मैंने रिचनेस के लिए बादाम भिगोकर उसके छिलके उतारकर इसमें यूज़ किए हैं। आप चाहें तो इसकी जगह काजू का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर भी हम इसमें डाल देंगे। डालेंगे देगी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब मसालों को हम अच्छे से 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बीट किया हुआ दही, और दही के साथ भी हम मसालों को अच्छे से अब भून लेंगे। आप देखेंगे कि दही ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे क्रश किया हुआ लहसुन। क्योंकि हम बना रहे हैं लहसुनी पनीर, तो अलग अलग तरह के फ्लेवर इसमें लहसुन के जाएंगे ही। अब इस मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे, जब तक कि इसका पानी अच्छे से सूख नहीं जाता। आप देखेंगे पानी अच्छे से सूख चुका है। अब करेंगे गैस को बंद, और अब हम इसमें से खड़े मसाले निकाल देंगे और मसाले को थोड़ा ठंडा होने देंगे। मसाला अच्छे से ठंडा हो चुका है। मसाले को ग्राइंडिंग जार में डालकर एकदम स्मूथ प्योरी बना लेंगे। तो ये देखिए, एकदम स्मूथ और क्रीमी प्योरी बनकर तैयार है। अब हम प्योरी को एक कढ़ाई में निकाल लेंगे। जार में अच्छे से पानी डालकर सारी प्योरी को हम कढ़ाई में निकाल लेंगे। अब हम प्योरी को भूनेंगे और पकाएंगे, जब तक कि इसमें बॉयल ना आने लग जाए। तो ये देखिए, प्योरी में बॉयल जो है वो आने लग गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद कढ़ाई को ढक देंगे और इसे ढक कर ग्रेवी के थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तब तक ऊपर से जो हमने तड़का डालना है उसके लिए एक तड़का पैन में ऑयल डालेंगे। तेल के गर्म होते ही इसमें स्लाइस किए हुए गार्लिक डाल देंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज होने लग जाएगा, कर देंगे हम गैस को बंद। ऑयल की हीट में ये अपने आप गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। तो ये देखिए, टोस्टेड गार्लिक बनकर तैयार है। आइए अब हम ढक्कन हटाकर देखते हैं। तो ये देखिए, कितनी अच्छी क्रीमी और स्मूथ लहसुनी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। डालेंगे फ्रेशनेस के लिए इसमें पुदीने के पत्ते, कर देंगे गैस को बंद। तो ये देखिए, पनीर के लिए ग्रेवी बनकर एकदम तैयार है। करेंगे इसे गर्मा गर्म सर्व। सबसे पहले डिश में हम डालेंगे लहसुनी ग्रेवी। ऊपर से जो पनीर के पीसेस हमने फ्राई किए थे उन्हें भी एक एक करके ग्रेवी में रखेंगे। ऊपर से डालेंगे टोस्टेड गार्लिक, लास्ट में गार्निश करेंगे फ्रेश फ्रेश पुदीने के पत्तों से। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जल्दी मैं नई रेसिपी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।